ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ 2211 ਜੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਸ ਦਸ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਬਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਏ देखो असली बात यह है कि सरकारें इन लोगों के लिए सीरियस नहीं है। मैंने इनका प्लान बना दिया था 10 महीने के बाद, जिस दिन हमने इनका प्लान बन गया पैसे दे दिए उस दिन मुफ्ती साहब की डेथ हो गई, उसके बाद महकमा चेंज हुआ, नहीं तो इसका काम तो मैंने कर दिया था। आई एम सो सॉरी कि इनसे काम लेना, इन बच्चों से काम लेना, इनसे काम जरूरी काम लेना और उस काम लेने के बाद इनका इनको तनख्वाह नहीं देनी, बड़ी सनान से ये पक्के मुलाजिम किस चीज़ के हैं, किस चीज़ के पक्के मुलाजिम हैं, डेली वेजर भी पैसे मांगता है तो पक्के परमानेंट हैं। और जो बच्चा 2211 हेड में जो ही भर्ती होता है उसको तो तनख्वाह नहीं मिलती, बड़ी दस नॉनसेंस। इसलिए मैं गवर्नर साहब से, ऑनरेबल गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा इस मसले को पर्सनली लेके इसको सॉर्ट आउट करिए। ये कोई इतना टफ नहीं है, बड़ा पैसा पड़ा है, इनको इमीडिएट पैसे दे के इनका परमानेंट हल करिए ताकि ये जो बीमारी फैली है वो ठीक हो जाए।